नमस्कार दोस्तों, आज के हम वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो, चाहे वो फ्लैगशिप हो या एम सीरीज़ हो या ए सीरीज़ का हो, और आप नए सैमसंग के फ़ोन पे आपके पुराने फ़ोन से स्विच हो रहे हो, तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है जिससे कि हम ये पूरा डेटा यहाँ पे ला पाए और हमें बाकी कोई भी बैकअप रिलेटेड चीज़ करने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। जैसे हम फ़ोन शुरू करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करके हम स्टार्ट दबाएंगे, तो हम जैसे इधर अंदर जाते हैं तो इमीडिएटली हमें ये देखिए, ये सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस का हमें ऑप्शन पूछता है और यहाँ पे गैलेक्सी और एंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन और आईपैड, ये सभी चीज़ों के लिए ये चलता है ऑटोमेटिकली। जैसे हमारी बर्ड्स हमारे सैमसंग फ़ोन के साथ डिटेक्ट होती है, यहाँ पे मेरे S23 अल्ट्रा को मेरे S10 प्लस ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पे भी नहीं है, या एंड्रॉयड 12 पे ही चल रहा है, लेकिन ये सैमसंग फ़ोन्स होने के कारण इनकी इकोसिस्टम बड़े ही टाइटली इंटीग्रेटेड है। सैमसंग फ़ोन नहीं भी है तो भी आप एक सैमसंग स्विच नाम का ऐप इस्तेमाल करके ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेटअप सिलेक्ट करेंगे और आप देखिए कि आपका पुराना फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है और नए फ़ोन पे डिवाइसेस की सेटिंग्स हो रही है। तो बस मुझे अब इस फ़ोन को उठाना है और इस तरह से स्कैन करना है, फिर मुझे मेरे पुराने डिवाइस को वेरीफाई करना है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और जैसे ही मैं इसमें अपने सिक्योरिटी डिटेल्स मतलब पिन या फिंगरप्रिंट डालता हूँ, प्रोसीजर शुरू हो जाती है। काफ़ी सीमलेसली चलती है। यहाँ पे ये eSIM के लिए ऑप्शंस दे रहा है तो हम इसे स्किप करेंगे, हम सिम बाद में डालेंगे, फिर सिम अभी भी मेरे पुराने ही फ़ोन में है। तो अब ये कॉपी एप्स एंड डेटा ये ऑप्शन पूछ रहा है। स्मार्ट स्विच चालू हो चुका है, यहाँ पे मैं इसे अलाउ करूंगा। जैसे मैं अलाउ करता हूँ, मेरे पुराने फ़ोन पे भी सैमसंग स्मार्ट स्विच के लिए परमिशंस पूछ रहा है। इसे परमिशंस देंगे, हम सारी परमिशंस उसे ग्रांट करेंगे क्योंकि हमें पूरा ही डेटा चेंज करना है। हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रांसफर योर डेटा वायरलेसली यूज अ केबल इंस्टेड। तो अगर आपको बहुत फास्ट ट्रांसफर्स करनी है और अगर आपके पास 5 GHz वाईफाई नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से टाइप सी टू टाइप सी केबल इस्तेमाल करें, काफ़ी रिलायबली जल्दी से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूज़ केबल इंस्टेड या ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं केबल इसे वापस निकाल के लगाता हूँ, वापस मुझे वो परमिशंस पूछ रहा है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी गई है और जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाती है तो ये पूरे ही डेटा को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके फिर इस डेटा को भेजता है। नए फ़ोन में हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कि अगर मुझे जस्ट कॉल्स एंड कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस करना है तो 87 MB है। पूरा का पूरा इस डेटा का फुल क्लोन चाहिए तो यहाँ पे मैं 133.55 GB का बैकअप है, या मैं कस्टम में जाके आगे चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सारा ही डेटा चाहिए तो मैं एवरीथिंग सिलेक्ट करूँगा। मेरा ये जो फ़ोन है वो भी 512 GB का ही है, S10 प्लस, और ये मेरा एग्जिस्टिंग जो फ़ोन है वो भी 512 GB का ही है। तो डेटा वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सारे ही मेरे फोटोज़, गैलरीज, हर चीज़ नए फ़ोन में आ जाएगी, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा अगर मैं इमीडिएटली मेरे इस फ़ोन को काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बस मुझे नेक्स्ट दबाना है। ये जो मैसेजेस है इसके लिए ये हमें ऑप्शन पूछता है कि लास्ट 2 ईयर्स, ऑल, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो इधर आपके हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल सिलेक्ट करूँगा। फिर जो हमारे सिक्योर फोल्डर में का डेटा है, चाहे वो ऐप्स हो गए चाहे फोटोज़ हो गए, वो अगर हमें डेटा एक्सेस करना है तो वापस उस डेटा की यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पिन या फिंगरप्रिंट लगेगा, तो मैं वो कर लेता हूँ। अगर आपके मैसेंजर इंक्रिप्टेड हो जैसे कि व्हाट्सएप, तो उसका बैकअप आपको मैन्युअली लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको ये पूरा डेटा ट्रांसफर होते वक्त स्क्रीन को चालू रखना है या नहीं। जैसे ही आप स्क्रीन ऑन को सिलेक्ट करते हैं, ब्राइटनेस काफी डीम हो जाती है ताकि आपका डिवाइस चालू रहे ये प्रोसीजर में, और अब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नए फोन को सेटअप करके हमें सारे अकाउंट्स में वापस मैन्युअली साइन इन करना पड़ता है, और अगर हमारा बैकअप होगा तो वो क्लाउड से आता है। जब हम ये सैमसंग के स्विच सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम लोकल लेवल पे ही हमारा सारा डेटा हमारे नए फोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे दो चीजें हो जाती है, इंटरनेट अगर स्ट्रांग नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आप इमीडिएटली आपका फोन यूज कर सकते हो। दूसरी चीज ये हो जाती है कि सारे अकाउंट्स को साइन इन करना भी एक काफी डिफिकल्ट टास्क है, उसी के साथ वाईफाई पासवर्ड, बाकी सारे ऑटोफिल, ये सारा ही डेटा हमें मिल जाता है। तो इससे हमारी लाइफ काफी आसान हो जाती है और नए फोन को इस्तेमाल करने का एक मजा बहुत, मैं कहूंगा, बढ़ जाता है क्योंकि हमें ये सारे झंझट से छुटकारा मिलती है। गूगल अकाउंट रिलेटेड
हमें क्या क्या बैकअप लेना है, जैसे ड्राइव, लोकेशन, क्या क्या लेनी है, उसके सेटिंग्स और टॉगल्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पे वो नए फ़ोन को हमारा पिन या पैटर्न सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। फिलहाल पिन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने अब नए फ़ोन पे भी पासवर्ड सेट कर दिया है, उसके बाद ये गूगल असिस्टेंट। तो जैसे हमारा डेटा बैकग्राउंड में सिंक हो रहा है, हमारे नए फ़ोन की बाकी भी चीज़ें जो हम उस पर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उसके लिए हमें चीज़ों को पूछा जा रहा है। यहाँ पे दो सैमसंग की ऐप्स रिकमेंड किए हैं सैमसंग ने, अगर आपका सैमसंग अकाउंट हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम सैमसंग अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, हमें बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये कस्टमाइजेशन सर्विस में बहुत सी एड्स रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जहाँ तक हो सके मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे ना सिलेक्ट करें। इसे सिलेक्ट किए बगैर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन सैमसंग अकाउंट के लिए ये पूछ रहा है, सैमसंग अकाउंट में यहाँ पे बाजू के फ़ोन में इसके वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है। और कोड यहाँ पे दिया गया है, दोनों फ़ोन इंटरलिंक्ड है क्योंकि मेरा प्रीवियस सैमसंग अकाउंट इसमें है, इसलिए पूछा जा रहा है, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें जैसे कि सैमसंग पे, वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो भी आ जाएंगी। बेसिकली आपका पूरा ही फ़ोन एग्जैक्ट रेप्लिका सेट हो रहा है। यहाँ पे आप फिनिश दबाएं और इस तरह से आपका नया फ़ोन सेट हो चुका है। तो अभी भी डेटा ट्रांसफ़र चल रही है, तो आपको अभी भी केबल नहीं निकालनी है जी। और आप यहाँ पे क्लियरली बात देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग वाईफाई पे, जिसमें मेरा ये फ़ोन इतने सालों से कनेक्टेड है, उस पर भी कनेक्ट हो चुका हूँ। मेरे सारे सेटिंग्स जैसे ब्लूटूथ हो गए, ये सारे भी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये मैं कहूँगा फास्टेस्ट वे है जिससे कि आप आपके पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पे स्विच कर सकते हो, चाहे वो सैमसंग डिवाइस हो, एंड्रॉयड डिवाइस हो या एप्पल डिवाइस भी हो। एप्पल डिवाइसेस में थोड़ी आपकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड हो जाती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन तो भी ओवरऑल सेटिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है, आपकी प्रोसीजर काफ़ी सिंप्लीफाइड भी हो जाती है। यहाँ पे स्केलेटन दिख रहा है, स्कीमेटिक सेम है, लेकिन चीज़ें आना बाकी है। एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे डेटा आ जाता है। अगर आप आपके नए डिवाइस पे भी ये स्क्रीन चाहते हो, ये ट्रांसफरिंग डेटा को इस तरह से क्लिक करना है। और ये देखिए अभी वो फिलहाल इमेजेस का बैकअप ले रहा है, किस सेक्शन का बैकअप चल रहा है वो भी आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाता है। एक बार पूरे फोटोज़ का बैकअप ले लिया, उसके बाद अब ये वीडियोज़ का बैकअप ले रहा है। ये प्रोसीजर को टाइम भी लग सकता है। प्रोसीजर शुरू करने के पहले ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके दोनों ही फोन्स में अच्छा खासा चार्ज है, ताकि ये प्रोसीजर बिना किसी दिक्कत के कम्प्लीट हो पाए। करंटली कितने परसेंटेज हुआ है और कितना टाइम लगेगा, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई जाती है। अगर आपको ये प्रोसीजर होते हुए भी बैकग्राउंड में या इस तरह से आप आपके दोनों ही फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको फ़ोन इस्तेमाल करने हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप केबल की जगह वाईफाई का इस्तेमाल करें। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप फिर दोनों ही फ़ोन तब तक इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर आपको फ़ोन्स को इस्तेमाल नहीं करना है तो इस तरह से आप केबल से ही कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली म्यूज़िक और रिकॉर्डिंग्स, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी डेटा था, वो पूरी तरह से बैकअप हो चुका है। आखिर में सबसे ये डॉक्यूमेंट्स का बैकअप ले रहा है, होम स्क्रीन कॉपी हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ऑल डन करके पुराने इस पे मैसेज आया है। अगर हम डन दबाएं तो अब हम हमारे पुराने फ़ोन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डन ट्रांसफरिंग योर डेटा, वी विल ऑर्गेनाइज योर डेटा इन बैकग्राउंड एंड विल लेट यू नो व्हेन इट्स फिनिश्ड ऑर्गेनाइजिंग योर ट्रांसफर डेटा। लेकिन अब ये पूरी ही प्रोसीजर बैकग्राउंड में हो रही है, आपको अब इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली जो हमारे फ़ोन के ऊपर भी लोकल प्रोसीजर थी जो बैकग्राउंड में चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे पूरी समरी वो दिखा रहा है। अगर आप नेक्स्ट दबाएं तो सारे कैलेंडर्स और वो भी सारी चीज़ें सिंक हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे आप डन दबाते हैं, उसके बाद ऐप्स इंस्टॉल होना चालू हो जाती है। हमारा फ़ोन टोटली यूजेबल हो चुका है। एक आखिरी चीज़ हमें करनी है, यहाँ से सिम कार्ड ट्रे को निकालना है। हम सिम इंसर्ट करके हमारी स्विचिंग प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप सिम इंसर्ट करते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है, हमारा फ़ोन चालू हो गया है। यहाँ पे मैं अगर गैलरी में जाऊँ तो सारे मेरे गैलरी का बैकअप आ चुका है। तो आप देख सकते हैं सारे ही मैसेज से लेके हर चीज़ आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस वीडियो से आप ये सीख गए होंगे कि आपके फोन को आपको किस हिसाब से इमीडिएटली सेट करना है और सारे वो बैकअप की झंझट से छुटकारा पानी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है लेकिन मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। और मेरा अगला इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।